everyone, I hope you all are safe and sound, taking all the COVID measures, and you must be regularly studying. एकदम focus के साथ पढ़ाई चल रही होगी, नहीं भी चल रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, because अगर आप Unacademy के साथ पढ़ रहे हैं और even exams आने वाले हैं, तो Unacademy is the place जहाँ पे आप quick revisions possible होते हैं. Unacademy के platform पे live test होते हैं, MCQs होते हैं, और इतनी सारी चीजें इस platform पे चलती रहती है कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है एग्जाम से, बिकॉज विद Unacademy यू कैन एस ऑल योर एग्जाम्स विद गुड मार्क्स विद फ्लाइंग कलर्स. एंड अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम Unacademy से तो पढ़ रहे हैं, बट हाउ कैन वी एस ऑल आर एग्जाम्स? Unacademy से क्या बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करेगी कि जिससे वील बी एबल टू एस ऑल आर एग्जाम्स? सारे एग्जाम्स में फ्लाइंग कलर्स से हम पास करेंगे, सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे सारे एग्जाम्स में, तो Unacademy ऐसा आपको क्या प्रोवाइड करता है जिससे आपके रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएंगे, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी? तो Unacademy इतने सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है कि आपके मार्क्स रिजल्ट्स इम्प्रूव होना तो बहुत ही इवेंचुअल है, ग्रेजुअल है, ऑब्वियस बन जाता है. अब क्या है ऐसे Unacademy के बेनिफिट्स? तो एट Unacademy यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि Unacademy के जितने भी एजुकेटर्स जो भी आपको Unacademy के थ्रू पढ़ाते हैं, दे आर द टॉप एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया. तो वेन यू लर्न द बेस्ट एंड वेन यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, तो रिजल्ट तो इम्प्रूव होने ही है. इसके अलावा एट Unacademy यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी ट्यूशन टीचर के घर नहीं जाना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाना, आप अपने घर से कहीं से भी Unacademy के लेक्चर्स Unacademy के वीडियोस देख सकते हैं, गिवन आपको बस इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, जो कि आजकल तो जियो के ज़माने में 4G के ज़माने में बहुत ही कॉमन हो चुका है. तो आप अपने घर से आराम से पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, जब आपका मूड हो तब पढ़ सकते हैं. इसके अलावा Unacademy आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी बुक्स की ज़रूरत होती है, जो भी चैप्टर्स रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, वो पूरा मटेरियल Unacademy आपको प्रोवाइड करता है. इसके अलावा जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, Unacademy पे वीकली टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, डेली MCQs होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, इतने सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं कि आपका जो सिलेबस है वो बार बार रिवाइज होता जाता है. जब सिलेबस रिवाइज होता रहेगा तो आपको चैप्टर टिप्स पे होगा, और जब चैप्टर टिप्स पे होगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, आप उन सारे क्वेश्चंस के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर होते हो. इसके अलावा Unacademy आपको एक लाइफ लॉन्ग एकदम फ्रेंड जैसा एक मेंटोर भी देता है. अब ये मेंटर क्या करता है? ये मेंटर आपको पूरा गाइड करता है, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के स्टेप्स और तरीके आपको बताता है कि कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हो, कैसे परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सकते हो, तो एक फ्रेंड के जैसे ये जो मेंटर्स होते हैं, ये आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए गाइड करते रहते हैं. इसके अलावा Unacademy के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. Unacademy आपको वीकली रिपोर्ट्स भी देंगे, पेरेंट्स और एजुकेटर के कनेक्ट्स भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ताकि पेरेंट्स के भी सारे डाउट, सारी क्वेरीज, सारी चिंताएं दूर हो जाए. एंड Unacademy पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, ताकि जैसे जैसे आप चैप्टर रिवाइज करते हो, जैसे जैसे आप Unacademy के वीडियोस देखते हो, और साथ साथ में अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो, एकेडमिक डाउट हो, तो आप साथ के साथ वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. तो Unacademy के बेनिफिट्स तो और बहुत सारे होते हैं. Unacademy के अलग अलग पैकेजेस हैं जो कि आप ले सकते हो. तो Unacademy के बेसिकली दो सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी बात करने वाले हैं, बट मेनली मैंने जितने भी बेनिफिट्स आपको बताए वो सब प्लस सब्सक्रिप्शन के हैं. अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ Unacademy का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड द Unacademy's लर्नर्स ऐप, वहाँ पे जाके यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब. सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा,
सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे अलग अलग सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस आएंगे, अलग अलग सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आपको दिखेंगे, आपको जो पैकेज कन्वीनियंट हो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं, आप ले सकते हैं कोई भी पैकेज, जो भी कोर्स आपको पढ़ना हो उसके अकॉर्डिंग, आपके जो भी फ्यूचर गोल्स हो, भले ही आपको कोई कंपेटिटिव एग्जाम के लिए आगे प्रिपेयर करना हो या फिर कोई ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना हो या सिर्फ अपनी जिस स्टैंडर्ड में आपको उसके ही फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी पैकेज ले सकते हैं। 6 मंथ्स का पैकेज, 12 मंथ्स का पैकेज, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, कोई भी पैकेज ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं। और अगर इन अफोर्डेबल प्राइसेस को आपको और कम करना हो, यानी कि आपको इन प्राइसेस पे भी डिस्काउंट चाहिए हो, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो मैंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, दैट इज PJAIN10। बिकॉज जब आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 15% ऑफ, सॉरी फ्लैट 10% ऑफ मिलता है, यानी कि आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है जब आप कोई भी सब्सक्रिप्शन पैकेज लेंगे। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे आपको सीधा सीधा फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा, तो आपके लिए तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। और ये सारे बेनिफिट्स हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल में सारे पैकेजेस के क्या प्राइस होते हैं ये सब हम टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड तब तक हम अपने चैप्टर की तरफ फोकस कर सकते हैं। बट चैप्टर पे फोकस करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। So my name is Pratiksha Jain. I'm one of the educators at An Academy. I teach social science to grade 7. I've completed my Bachelor of Arts in Psychology from Delhi University. ये तो थोड़ी बात हुई मेरे बारे में, अब हम फाइनली अपने चैप्टर की तरफ आ ही जाते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था न्यू किंग्स एंड किंगडम, जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट मतलब चैप्टर का जो आधा पार्ट है वो मैंने पार्ट 1 में कवर किया था। ये सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का जहाँ पे मैं रिमेनिंग चैप्टर कवर करने वाली हूँ। तो अब तक हमने देखा था कि कैसे डायनेस्टीज क्या होती हैं, कैसे सामंत के रोल इंक्रीज होने लगे, कैसे कैसे डायनेस्टीज फॉर्म होने लगी, लैंड ग्रांट्स क्या होते थे, प्रशस्तीज क्या होती थी, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन सी डायनेस्टीज अलग अलग सेंचुरीज में डेवलप होने लगी, इमर्ज होने लगी, ये सब हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। बट अब हम एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द चोलास। हम अब रिमेनिंग चैप्टर पूरा जो है वो चोला डायनेस्टी के ऊपर है, तो हम सब कुछ चोला डायनेस्टी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद चोला डायनेस्टी, कौन यहाँ के राजा थे, कैसे, हाउ चोला डायनेस्टी केम इनटू पावर, हु ऑल वर द रूलर्स, क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था चोला डायनेस्टी का, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, विच इज बेसिकली द रिमेनिंग हाफ ऑफ चैप्टर 2। सो लेट्स स्टार्ट विद द चोला डायनेस्टी। तो जो कावेरी डेल्टा था, यानी कि सदर्न पार्ट में इंडिया का आज जो प्रेजेंट डे इंडिया है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कावेरी रिवर है, और कावेरी जो रिवर का जो डेल्टा है वहां पे रहते थे मुत्तरैयर फैमिलीज। ये बहुत ही चीफली फैमिलीज थी, वेल टू डू कम्युनिटी थी मुत्तरैयर्स की, ये रहते थे कावेरी डेल्टा में। एंड दीज मुत्तरैयर्स यूज टू वर्क अंडर पल्लव किंग्स, और ये पल्लव किंग्स रहते थे कांचीपुरम में। हमने ये तो वर्बली समझ लिया दैट मुत्तरैयर्स यूज टू लिव इन कावेरी डेल्टा एंड दे यूज टू वर्क अंडर पल्लव किंग्स हु यूज टू लिव इन कांचीपुरम। बट अब हम इसको ना ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। सो आपकी स्क्रीन पे एक मैप आपको दिख रहा होगा जो कि बेसिकली बता रहा है चोला डायनेस्टी कितना वास्ट एरिया में एक्सपैंड हुआ हुआ था, कितनी बड़ी डायनेस्टी थी। तभी हम कावेरी डेल्टा, कांचीपुरम, ये सब हम ज्योग्राफिकली मैप में समझेंगे। तो आपको करना है सिर्फ, आपको मेरे कर्सर को देखना है, जहां जहां मैं अपना कर्सर घुमाऊंगी वहां वहां आपको सिर्फ देखना है और समझना है कौन सा एरिया कहाँ पे है।
ये जो एरिया है जहां पे मैं अपना कर्सर घुमा रही हूँ, दैट इज कावेरी डेल्टा। यहाँ पे कावेरी रिवर फ्लो करती थी और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती थी। इट यूज टू यू नो जस्ट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये जो कावेरी डेल्टा है, इसके अगर आप थोड़ा सा साइड में देखोगे तो एक टाउन है जिसका नाम है उरायूर, और उसी के थोड़ा सा नीचे है थंजावुर। अब ये जो कावेरी डेल्टा है, यहाँ पे रहते थे मुत्तरायर्स, जो कि कावेरी डेल्टा की बहुत पावरफुल कम्युनिटी थी। इस कावेरी डेल्टा के ठीक ऊपर था कांची, यानी कि कांचीपुरम, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है। कांचीपुरम में रहते थे पल्लव किंग्स और कावेरी डेल्टा में रहते थे मुत्तरायर्स। ये जो मुत्तरायर्स थे, दे यूज टू वर्क फॉर पल्लव किंग्स, एंड पल्लव किंग्स रहते थे कांचीपुरम में। ठीक है, नाउ जैसा कि मैंने बताया, कावेरी डेल्टा के थोड़ा सा पास में ही एक टाउन था उरैयुर। उरैयुर में रहते थे चोला कम्युनिटी, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम बेसिकली ये समझ रहे हैं कि चोला कम्युनिटी, हाउ वॉज दिस चोला कम्युनिटी, हाउ डिड चोला कम्युनिटी डेवलप इनटू चोला डायनेस्टी, कैसे वो पावर में आए। तो उरैयुर में रहते थे चोला कम्युनिटी, और इन चोला कम्युनिटीज में एक थे जिनका नाम था विजयालय। अब ये विजयालय, ही बिलोंग फ्रॉम अ वेरी एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोला, यानी कि उरैयुर में जो चोला फैमिलीज रहती थी उसमें से एक बहुत वेल टू डू चीफ फैमिलीज थी, और इन चीफ फैमिलीज से बिलोंग करते थे विजयालय। अब इन विजयालय ने क्या किया, जो कावेरी डेल्टा में मुत्तरायर्स थे उनको पावर से हटाया, और पूरा कावेरी डेल्टा का जो एरिया था इन्होंने कंट्रोल अपने पावर में ले लिया। हमने ये पढ़ा था कावेरी एरिया में मुत्तरायर्स, यू नो दे वर वेरी पावरफुल, मुत्तरायर्स कावेरी डेल्टा में रूल करते थे। बट 9th सेंचुरी में विजयालय, जो कि चोला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, विजयालय ने मुत्तरायर्स को हटाया उनकी पावर से और खुद पावर में आ गए, और इन्होंने थंजावुर का जो टाउन था उसको डेवलप किया। विजयालय बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर व्हेन ही केम इनटू पावर, एंड इन्होंने कावेरी डेल्टा पे अपनी पावर पूरा कंट्रोल ले लिया मुत्तरायर्स को हटा के। तो ऐसे जो है चोला डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ, बिकॉज विजयालय वॉज द फर्स्ट रूलर फ्रॉम द चोला डायनेस्टी, जिन्होंने किसी और को पावर से हटा के खुद अपनी पावर इस्टेब्लिश करी थी। तो ऐसे चोला डायनेस्टी का ऐसे चोला डायनेस्टी फॉर्म हुई, ऐसे चोला डायनेस्टी स्टार्ट हुई। विजयालय वॉज द फर्स्ट रूलर फ्रॉम चोला डायनेस्टी, जिन्होंने कावेरी डेल्टा से मुत्तरायर्स को हटा के खुद की पावर इस्टेब्लिश करी थी। अभी जो विजयालय थे, इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल कावेरी डेल्टा में कर लिया था। अब विजयालय के बाद जितने भी सक्सेसर्स हुए, यानी कि विजयालय के बाद जितने भी दूसरे चोला रूलर्स इनके बाद बने, जितने भी किंग, जितने भी रूलर्स विजयालय के बाद हुए, ऑल दीज रूलर्स स्टार्टेड कॉन्करिंग द नेबरिंग एरियाज, यानी कि कावेरी डेल्टा के आसपास जितने भी एरियाज थे, विजयालय के बाद जितने भी किंग हुए वो सब आसपास के एरियाज कॉन्कर करने लगे। अब इनके पास कावेरी डेल्टा तो था ही, कावेरी डेल्टा के साथ साथ आसपास के जितने भी एरियाज थे वो सब भी चोला डायनेस्टी के रूलर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया, उनको भी कॉन्कर कर लिया। तो जैसे ही आसपास के एरियाज भी इन्हीं के रूल के अंडर आने लगे, तो चोला डायनेस्टी, चोला किंगडम की जो साइज थी और जो पावर थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। इसके साथ साथ जो कावेरी डेल्टा के साउथ एरिया में पांड्यन डायनेस्टी इस्टैब्लिश थी, और नॉर्थ में पल्लव किंग्स थे जो कि हमने पढ़ा कांचीपुरम में रहते थे। तो जितने भी ये चोला रूलर्स थे, जितनी भी ये चोला डायनेस्टी के जो किंग हुए विजयालय के बाद वाले, विजयालय ने तो चोला डायनेस्टी को इस्टैब्लिश किया, बट विजयालय के बाद जितने भी किंग्स हुए उन्होंने आसपास के एरियाज को कवर किया, और जो कावेरी डेल्टा के साउथ में जो पांड्यन डायनेस्टी थी उनको भी अपने कंट्रोल में लिया, और जो ऊपर कांचीपुरम में पल्लव राजा थे उनको भी हरा के पूरा कांचीपुरम का एरिया भी अपने अंडर ले लिया। तो इसके कारण अगर हम देखें तो
कावेरी डेल्टा के नीचे यहाँ जो पांड्यास थे और ऊपर कांचीपुरम के यहाँ जो पल्लव डायनेस्टी थी, इन सबको हरा के चोला डायनेस्टी का एरिया आप अगर देखोगे तो ये पूरा जो रेड और पिंक एरिया में दिख रहा है, इतना बड़ा जो रीजन था ये पूरा रीजन था चोलास का। मतलब चोला डायनेस्टी इतनी पावरफुल डायनेस्टी बाद में बन गई थी कि ऑलमोस्ट पूरा जो सदर्न इंडिया था उस पूरे साउथ इंडिया पे चोला डायनेस्टी का कंट्रोल था, उनका पावर थी। अब ऐसे ही एक बहुत पावरफुल चोला रूलर हुए जिनका नाम था राजा राजा। ही बिकेम द किंग ऑफ चोला डायनेस्टी इन 985 और इन्होंने बहुत सारे एरियाज पे अपना कंट्रोल एक्सपैंड किया, बहुत सारे एरियाज को कॉन्कर किया और अपना कंट्रोल एक्सपैंड करते गए। सो राजा राजा इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर्स। इन्होंने जो चोला डायनेस्टी का जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी फिर से रीऑर्गेनाइज किया और फिर से चोला डायनेस्टी को और ज्यादा पावरफुल बना दिया। इनके बेटे का नाम था राजेंद्र। राजेंद्र ने जितनी भी गंगा वैली थी, श्रीलंका के एरियाज, इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग एरियाज पे जाके अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। इन सारे एरियाज को इन्होंने रेड किया, वहाँ पे गए, वहाँ पे वॉर की इतने सारे एरियाज पे, और ऐसे ऐसे इन्होंने चोला डायनेस्टी को और पावरफुल किया। सो राजा राजा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स। उनके बेटे थे राजेंद्र, जिन्होंने भी चोला डायनेस्टी को और ज्यादा पावरफुल बनाया। अब ये दोनों ही जो राजा किंग थे, यानी कि राजा राजा और उनके बेटे राजेंद्र, इन्होंने थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम, आई नो ये बहुत डिफिकल्ट जगह का नाम है और आपको याद करने में भी थोड़ी सी टाइम लग सकता है इस पूरी टाउन को याद करने के लिए, गंगाईकोंडा चोलापुरम। बट एग्जाम से पहले तो ये याद हो ही जाएगा, रट्टा मार लो, लिख लिख के याद कर लो, गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ये जो दोनों किंग्स थे, राजा राजा एंड राजेंद्र, इन्होंने थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, विच आर स्टिल कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टेम्पल्स इन इंडिया, इनफैक्ट अमेजिंग टेम्पल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इनफैक्ट इन टेम्पल्स को आर्किटेक्चरल मार्वल्स भी कहा जाता है। यानी कि ये जो टेम्पल्स राजा राजा और राजेंद्र ने थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम में बनाए, ये इन टेम्पल्स का आर्किटेक्चर इतना अमेजिंग है, इतना अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग है कि इन टेम्पल्स को आज की डेट में भी आर्किटेक्चरल मार्वल्स कहा जाता है, यानी कि अमेजिंग आर्किटेक्चर वाले टेम्पल्स कहा जाता है। अभी जो चोला टेम्पल्स थे जो राजा राजा और राजेंद्र ने थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम में बिल्ड कराए, कंस्ट्रक्ट कराए, these chola temples gradually became the centers of craft production। यानी कि इन temples में अलग अलग type की crafts जो है, art and craft वाली जो crafts होती है, अलग अलग type की crafts यहाँ पे practice की जाती थी, जिसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बहुत detail में पढ़ेंगे। but अभी आप इतना से समझ लो that these chola temples were centers of क्राफ्ट प्रोडक्शन। यहाँ पे इतनी नई नई और इतनी सारी टाइप्स की क्राफ्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी, प्रैक्टिस होती थी, कि ये बेसिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर्स बन गए थे ये टेम्पल्स। और इन टेम्पल्स से जो कुछ भी प्रोड्यूस होता था, उस प्रोड्यूस से जो कुछ भी पैसे आते थे, ऑल दैट मनी वॉज गिवन टू द स्पेशलिस्ट जो कि मंदिर को मेंटेन करते थे, यानी कि जो प्रीस्ट होते थे, यानी कि पंडित होते थे, गार्लैंड मेकर्स होते हैं। हम आज भी देखते हैं मंदिरों के आसपास और मंदिर के बाहर बहुत सारी माला बनाने वाले बैठे होते हैं, उनको कहते हैं गार्लैंड मेकर्स। तो जितने भी प्रीस्ट थे, गार्लैंड मेकर्स थे, मंदिर को साफ रखने वाले स्वीपर्स थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, इन सबको जो सैलरी मिलती थी वो बेसिकली सैलरी जो भी इस लैंड में प्रोड्यूस होता था, जो भी इस टेम्पल में प्रोड्यूस होता था, उससे जो पैसे आते थे उन पैसों से इन सबको सैलरी दी जाती थी। सो प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग द स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट कौन थे? Who specialists were those who worked and lived near the temples, like the priest, garland makers, sweepers, musicians and dancers. ये सारे लोग स्पेशलिस्ट थे जो यू नो दिस जो ये टेम्पल्स को टेम्पल बनाते थे, उनको मेंटेन करते थे. तो टेम्पल से कुछ भी प्रोड्यूस होता था या आसपास की जो चोला लैंड थी वहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होता था वो सब इनकी सैलरीज और इन सबको दे दिया जाता था, सो दैट दे मेंटेन द टेम्पल और जो डेकोरम है टेम्पल का वो मेंटेन कर सके. इस कारण से ये टेम्पल सिर्फ वर्शिप करने की जगह नहीं थी, but these temples actually became the hub of economic, social and cultural life. यानी कि यहाँ पे इतनी सारी crafts होती थी, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे produce की जाती थी जो market में ले जाके दूसरी countries को export किया जाता, market में ले जाके buy and sell किया जाता था. तो इस तरह से ये economic centers बने. फिर यहाँ पे इतने लोग आते थे worship करने के लिए और इतनी सारे rituals and practice थी, उससे बना ये social hub. और कल्चरल हब ऐसे बना कि यहाँ पे जो म्यूजिशियंस थे, जो डांसर्स थे, अलग अलग अपना कल्चर परफॉर्म करते थे, लोगों तक कल्चर लोगों तक कल्चर आगे स्प्रेड करते थे, लोगों को यहाँ का कल्चर बताते थे. तो इस कारण से ये टेम्पल सिर्फ वर्शिप प्लेसेस ही नहीं थी बट देवर हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ. तो ये बहुत ही वेरीड चीज़ें इन टेम्पल्स में चलती थी एंड सिर्फ वर्शिप करने की जगह नहीं थी ये टेम्पल्स, बट बहुत सारी अलग अलग टाइप की लाइफ हमें यहाँ देखने को मिलती थी, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ एंड कल्चरल लाइफ. अब हम फाइनली बात करते हैं यहाँ पे कौन सी क्राफ्ट थी जो इतनी फेमस थी कि लोग अलग अलग कंट्रीज से आते थे उनको बाय करने के लिए. और मैंने जस्ट अभी आपको बताया ही था कि जो जो चोला डायनेस्टी के जो टेंपल्स थे, जो राजा और राजेंद्र ने बनाए थे जो टेंपल्स, वो क्राफ्ट सेंटर्स थे, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स थे. तो ऐसी कौन सी यहाँ पे क्राफ्ट प्रोड्यूस होती थी जिससे क्राफ्ट सेंटर्स बने? तो यहाँ पे ब्रोंज की इमेजेस बनाई जाती थी. ब्रोंज बेसिकली एक काइंड ऑफ मेटल होता है और अभी ब्रोंज तो आपने बहुत बार सुना होगा, ओलंपिक्स में भी बहुत सारे हमारे एथलीट्स थे जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रोंज मेडल. तो ये जो ब्रोंज एक मेटल होता है जिनसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस की मूर्ति बनाई जाती है और भी बहुत अलग चीज़ों में ब्रोंज को यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप स्क्रीन पे इमेजेस भी देख सकते हैं गॉड एंड गॉडेसेस की, ये ब्रोंज से बनाई भी एक काइंड ऑफ ब्रोंज गुड्स है, ब्रोंज इमेजेस है, ब्रोंज की मूर्ति है देवी देवताओं की. तो ये जो ब्रोंज का काम था, ये ब्रोंज मेकिंग की जो क्राफ्ट थी, ये इन टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी एंड इनफैक्ट इवन टिल डेट आज के टाइम तक भी ये ब्रोंज इमेजेस जो कि चोला टेम्पल्स में बनते हैं, दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. ये इतने रिच होते हैं, इतनी फाइन क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है इन ब्रॉन्ज इमेजेस की है कि अलग अलग कंट्रियों में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया में. इनफैक्ट अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं इन ब्रॉन्ज इमेजेस को खरीदने के लिए. तो ये क्राफ्ट बहुत पॉपुलर है, चोला डायनेस्टी के जो टेम्पल्स बने थे वहाँ पे बहुत पॉपुलर थी एंड दैट्स वाई दीज चोला टेम्पल्स बिकेम द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं कि हमने अभी चोला डायनेस्टी कैसे इस्टेब्लिश हुई, कौन कौन से अलग रूलर्स थे, किंग्स हुए, उन्होंने क्या क्या किया, टेम्पल्स बनाए, क्राफ्ट वगैरह, ये सब के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया. बट अब हम बात करते हैं कि जो चोला डायनेस्टी थी, ये चोला डायनेस्टी के टाइम पे एग्रीकल्चर कैसे किया जाता था, इरिगेशन कैसे होता था. तो अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन अंडर चोला डायनेस्टी. तो जैसे कि हमको पता है चोला डायनेस्टी बेसिकली कावेरी डेल्टा, कावेरी के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ से इस्टेब्लिश हुई थी. और हमने ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा कि कोई भी जो रिवर होती है उसके आसपास की एरिया बहुत फर्टाइल होती है बिकॉज रिवर अपने साथ
काफी पानी जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, उसको अपने साथ लेकर आती है, जिसके कारण से जो रिवर बैंक्स होते हैं, जो रिवर के आसपास के एरियाज होते हैं, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड बन जाती है। तो बिकॉज यहाँ पे कावेरी रिवर इतनी बड़ी रिवर, जिसके इतना बड़ा जो डेल्टा है वो था, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली जो आसपास की लैंड होने वाली थी वो बहुत फर्टाइल थी। अब हमें ये भी पता है कि जहाँ जहाँ फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड अवेलेबल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो एरियाज एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होते हैं। तब ये ऑब्वियस था कि कावेरी रिवर के जो आसपास के एरियाज थे वहाँ की लैंड फर्टाइल थी और वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बहुत बहुत इजी कंडीशन से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इजीली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो जाता था। अब क्योंकि यहाँ पे इतना सारा पानी अवेलेबल था और हमने ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा था कि राइस का जो कल्टीवेशन होता है, यानी कि जो चावल का कल्टीवेशन होता है, उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब क्योंकि यहाँ पे इतना सारा पानी अवेलेबल था तो यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन बहुत इजीली हो जाती थी। सो कावेरी रिवर डिपॉजिटेड द फर्टाइल सॉइल ऑन इट्स बैंक विच प्रोवाइडेड वेरी अप्रोप्रिएट कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर एंड इट प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होने लगी। इनफैक्ट इवन आज के टाइम पे भी कावेरी डेल्टा, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन रीजन के आसपास है, तो यहाँ पे आज भी चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है पूरे इंडिया में। इनफैक्ट यहाँ पे जो राइस कल्टीवेशन होता है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ये जो राइस यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इन राइस को अलग अलग कंट्रीज में इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। तो वो कहाँ राइस कल्टीवेशन कहाँ पे पॉसिबल होता है, जहाँ पे बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है, बिकॉज राइस की कल्टीवेशन में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड बिकॉज कावेरी रिवर में इतना सारा पानी था तो यहाँ पे राइस की जो कल्टीवेशन थी वो बहुत इजीली अवेलेबल थी, बहुत अप्रोप्रिएट कंडीशन थी राइस कल्टीवेशन के। इसके अलावा जो फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरीज थी, उस टाइम पे फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी के टाइम पे यहाँ पे जो कल्टीवेशन था वो लार्ज स्केल पे होने लगा, यानी कि जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था, बहुत ज़्यादा राइस का और अलग अलग क्रॉप्स का कल्टीवेशन यहाँ पे होने लगा फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी के टाइम पे। अब हमने ये भी पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी पढ़ा है और ज्योग्राफी के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जब जब एग्रीकल्चर लोगों को करना होता है तो एग्रीकल्चर करने के लिए उनको चाहिए होती है लैंड, यानी कि जमीन। और वो जमीन कहाँ से आती है, जब लोग फॉरेस्ट को काट के पूरा एरिया साफ कर देते हैं, पूरा फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इस टाइम पे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया ताकि उनको एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिल सके। फिर जो लैंड ऊपर नीचे थे उन सबको एक लेवल का किया गया। फिर एग्रीकल्चर और इरिगेशन करने के लिए यहाँ पे जो कावेरी रिवर थी उसके रिवर बैंक्स में एम्बैंकमेंट्स बनाए गए। अब बात आती है ये एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं। तो एम्बैंकमेंट्स बेसिकली पत्थरों की दीवार होती है, एक वॉल ऑफ स्टोन होती है, स्टोन से जो रिवर होता है, रिवर के दोनों साइड पे थोड़ी सी ऊंची दीवार बना देते हैं ताकि जो रिवर का पानी है वो ओवरफ्लो ना करे, फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह ना आए। वो जो दोनों तरफ अगर रिवर के जो दीवार बना देंगे तो रिवर का पानी उसके अंदर ही रहता है। अगर आप आपकी स्क्रीन पे ये सेकेंड इमेज देखोगे तो यहाँ पे बीच में तो नदी बह रही है और रिवर के दोनों साइड्स पे आप देख सकते हो ये स्टोन्स की एक वॉल बना दी, एम्बैंकमेंट बना दिया पूरा, ताकि ये जो रिवर का वाटर है वो उसी एरिया में रहे, ओवरफ्लो ना करे, फ्लड ना आ जाए और आसपास के एरियाज को कोई डैमेज ना पहुंचे। तो ऐसे रिवर के आसपास एम्बैंकमेंट्स बना दिए ताकि ओवरफ्लो ना हो पानी का। इसके साथ साथ फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी में चोला डायनेस्टी में, क्योंकि एग्रीकल्चर और इरिगेशन अच्छे से हो जाए, तो उन्होंने एम्बैंकमेंट के साथ साथ कैनाल्स भी बनाए। ये कैनाल्स क्या होते हैं, अब अगर आप फर्स्ट इमेज देखेंगे तो बेसिकली दोनों साइड पे लैंड है और दोनों लैंड के बीच में एक पतली सी चैनल बना दी, पाइप जैसे एक चैनल बना दिया एकदम पतला सा, जहां से जो पानी है
वो सारी एग्रीकल्चर फील्ड्स में पहुंच जाए। तो ऐसे अलग अलग कैनल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था चोला डायनेस्टी के टाइम पे, ताकि ये जो कावेरी रिवर का पानी है ये सारी एग्रीकल्चर फील्ड्स तक एकदम इजीली पहुंच जाए और यू नो जो क्रॉप्स है उनको जितना पानी चाहिए वो सब क्रॉप्स को पानी मिल जाए। तो ऐसे ये कैनाल्स कंस्ट्रक्ट की गई थी, और क्योंकि इतने सारे एग्रीकल्चर और इरिगेशन को एक सक्सेस बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें चोला डायनेस्टी के अंदर की गई थी और इतने सक्सेसफुल एग्रीकल्चर यहाँ पे उस टाइम पे हो गया था कि जो फार्मर्स थे देवर एबल टू ग्रो टू क्रॉप्स इन अ ईयर। दो टाइप के क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर ग्रो करी जाती थी। पहले के टाइम पे जब ये सारे डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे, फार्मर्स पूरे साल में सिर्फ एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो कर सकते थे। ये जैसे कि अगर सिर्फ चावल कर रहे हैं तो पूरे साल भर वो चावल का ही कल्टीवेशन करते थे, सिर्फ राइस क्रॉप ही ग्रो करते थे। बट क्योंकि इतना सारा डेवलपमेंट कर दिया था तो अब दो टाइप की क्रॉप थ्रू आउट द ईयर ग्रो करने लगी, जैसे राइस हो गए या फिर और कोई वीट हो गई, बार्ले हो गई, ऐसे दो कोई भी दो टाइप की क्रॉप्स मेजरली यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ग्रो करने की जाने लगी। इरिगेशन के लिए भी यहाँ पे अलग अलग मेथड्स का यूज करने लगे ताकि इरिगेशन भी प्रॉपर हो, ताकि जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रो हो सके और बहुत सारी अबंडेंट क्वांटिटी में ग्रो हो सके। तो इरिगेशन के बेसिकली यहाँ पे दो डेवलपमेंट्स ही हुए थे। वेल्स वर डग, यानी कि बड़े बड़े कुएं बना देते थे, एंड ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द रेन वाटर, यानी कि जो बारिश का पानी आता था वो बारिश का पानी वेस्ट ना हो तो बड़े बड़े टैंक बना दिए थे ग्राउंड के अंदर, ताकि जितना भी बारिश का पानी हो वो उन टैंक्स में कलेक्ट हो जाए और ताकि ये फार्मर्स उस पानी जब कलेक्ट हो जाए तो बाद में कभी उसको यूज कर सके। तो ऐसे रेन वाटर को भी कलेक्ट करने लगे और बड़े बड़े कुएं बना दिए ताकि पानी की कोई कमी ही ना हो। और ये जो इरिगेशन के जो दो मेथड्स थे, या इरिगेशन का कोई भी काम करने के लिए इट इंक्लूडेड मैनी प्रोसेस। सो इरिगेशन का कोई भी काम होता था, इरिगेशन वर्क इंक्लूडेड मैनी प्रोसेसेस, लाइक इट इंक्लूडेड प्लानिंग। प्लानिंग में कैसे इरिगेशन हर फील्ड तक पहुंचेगा, क्या क्या करना चाहिए जिससे इरिगेशन सक्सेसफुल होगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेबर को ऑर्गेनाइज किया जाता था, उस इरिगेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, पत्थर चाहिए कि लकड़ियाँ चाहिए, या जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो कलेक्ट की जाती थी। एंड इट वाज डिसाइडेड कि पानी को कैसे शेयर किया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया होता था और इतने सारे फार्मर्स होते थे जो एग्रीकल्चर करते थे, सबको पानी की ज़रूरत होती थी। तो इरिगेशन के वर्क में ये डिसाइड भी कर लिया जाता था कि कैसे पानी को शेयर किया जाएगा। तो इरिगेशन वर्क में बहुत सारे प्रोसेसेस इंक्लूडेड थे और बहुत प्लानिंग चलती थी इस टाइम पे, बहुत एग्रीकल्चर को बहुत सक्सेसफुल और पावरफुल इस टाइम पे बनाया गया था। अब हमने ये भी देख लिया कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन चोला डायनेस्टी के अंडर में कैसे हुआ। हमने ये देखा चोला डायनेस्टी पावर में कैसे आई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स चोला डायनेस्टी के हुए, उन्होंने क्या क्या किया, मंदिर बनवाए, क्या क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन उस टाइम पे होने लगी। फिर हमने देखा चोला डायनेस्टी के अंदर एग्रीकल्चर में क्या क्या होने लगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स क्या थे, इरिगेशनल डेवलपमेंट्स क्या क्या इस टाइम पे हुए। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि चोला डायनेस्टी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, पूरे एम्पायर को चलाया कैसे जाता था। इतना बड़ा एम्पायर था तो कोई तो पॉलिसीज होगी, कोई तो डिविजन्स ऐसे बने होंगे जिससे इतना बड़ा एम्पायर इतने स्मूथली कंट्रोल, इतने बड़े एम्पायर पे इतने स्मूथली इतने इजीली चोला रूलर्स कंट्रोल करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे। तो अब हम बात करेंगे इसी एडमिनिस्ट्रेशन की कि ऐसे क्या उन्होंने क्या सेटिंग करी थी, क्या ऐसे सेटलमेंट्स बनाए थे, क्या पॉलिसीज थी जिससे उन्हें इतने इजीली कंट्रोल किया और इतने सालों तक चोला डायनेस्टी ने कंट्रोल किया। तो अब जैसा कि हमने देखा इनके टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत नए नए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स बने जिससे जितने भी फार्मर्स थे उनको बहुत बेनिफिट हुआ, जितने भी पेजेंट्स थे उनको बहुत बेनिफिट हुआ। अब ये जो पेजेंट्स होते हैं, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, ये
इनके जो सेटलमेंट्स होते थे, यानी कि ये लोग जिस एरिया में रहते थे, उनको चोला डायनेस्टी के टाइम पे उन एरियाज को, इन पेजेंट्स को, के सेटलमेंट्स को कहा जाता था और ठीक है। तो जैसे ही इरिगेशन और एग्रीकल्चर इतना एक्सपैंड होने लगा, ये जितने भी पेजेंट्स थे, यानी कि जो फार्मर्स थे, ये ऑब्वियसली बहुत रिच बनने लगे, ये प्रॉस्परस होने लगे, ये वेल्दी हो गए। तो ये जितने भी और थे, यानी कि इन फार्मर्स के एरियाज, इन और के ग्रुप्स को कहा जाता था नाडू। देखो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ये जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, जो खेती बाड़ी करते थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, इनके जो एरियाज थे, यानी कि ये लोग जहां पे रहते थे, उनको कहा जाता था उर, यू आर उर, और बहुत सारे ओर्स को कहा जाता था नाडू। सो ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस, यानी कि जो उर के जो विलेजेस थे, इनके जो ग्रुप्स थे, जो यू नो हु फॉर्म लार्ज यूनिट्स, उसको कहा जाता था नाडू। यानी कि एक एरिया जहाँ पे फार्मर्स रहते थे, उसको कहा जाता था उर, और तीन चार ऐसे जो एरियाज मिलके एक बड़ा एरिया बनाते थे, उसको कहा जाता था नाडू। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, जैसे एक स्टेट है। अब स्टेट में बहुत सारी सिटीज है, तो सिटीज तो हो गई और ये जो इतनी सारी सिटीज और डिस्ट्रिक्ट मिलके बनाते थे एक नाडू, यानी कि एक स्टेट बनाते हैं, तो स्टेट आप समझ लो नाडू। तो ये जो एक दो एरियाज थे पेजेंट्स के सेटलमेंट एरियाज, उनको कहते थे और ये जो ग्रुप्स ऑफ ओर्स थे, उनको कहा जाता था नाडू। अब ये इन नाडू एरियाज में और ओर्स में ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे कि कैसे इरिगेशन होगा, कैसे एग्रीकल्चर होगा, कौन से फार्मर की क्या ड्यूटीज थी। तो ये सारे काम कौन करते थे? विलेज काउंसिल, यानी कि उस विलेज में जो पंचायत वगैरह बनती थी, विलेज काउंसिल और साथ साथ में जो नाडू होते थे, यानी कि ये इतने सारे गांव, ये सारे, ये दोनों मिलके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे, वो सब संभालते थे। सो विलेज काउंसिल एंड नाडू टुगेदर परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अंडर द चोला डायनेस्टी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होते थे? टैक्स कलेक्शन हो गया, या ये इंश्योर करना कि सारे फार्मर सारे लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है, किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं हो। तो ये सारे काम, ये जो लॉ से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड जो काम होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, वो करते थे विलेज काउंसिल और नाडू। तो आई होप आपको उर का फंक्शन क्लियर होगा, नाडू के फंक्शन, नाडू किसको कहते हैं वो क्लियर होगा, और कैसे नाडू और विलेज काउंसिल टुगेदर मिलके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे, ये भी आपको क्लियर होगा। अब नाडू जो होते थे, यानी कि इन पेजेंट्स के बहुत सारे सेटलमेंट एरियाज, बहुत सारी सिटीज मान लो, जो कि एक स्टेट बनाती है, तो ये जो अलग अलग स्टेट्स थे, यानी कि अलग अलग नाडूज थे, इनके ऊपर भी होते थे वेलाला कास्ट। यानी कि इसको आप ऐसे समझो, मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया था, कुछ पेजेंट्स होते हैं जो एकदम ही लो क्लास पेजेंट्स थे, कुछ मिडिल क्लास पेजेंट्स थे, और कुछ एकदम ही रिच क्लास हाई प्रोफाइल पेजेंट्स थे। तो ऐसे ही रिच हाई क्लास पेजेंट्स की एक कम्युनिक कास्ट थी, जिनका नाम था वेलाला कास्ट। अब ये वेलाला कास्ट सीधा सीधा चोला गवर्नमेंट, यानी कि जो चोला किंग्स थे, उनके नीचे काम करते थे, और ये जो नाडू थे उनको, उनके ऊपर कंट्रोल करते थे। तो इसको हम बहुत अच्छे से, बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसको आप ऐसे समझो, एक स्टेट होती है, ठीक है। अब एक स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटीज होती हैं, उन सिटीज को आप समझो और, यानी कि वो पेजेंट्स के सेटलमेंट्स एरियाज है, यानी कि उन एरियाज में, उन सिटीज में बहुत सारे फार्मर्स रहते हैं, जिनको कहते हैं और। तो हर स्टेट में बहुत सारी सिटीज होती हैं, और टुगेदर ऑल दी सिटीज मेक अप अ स्टेट। अब स्टेट आता है कंट्री के अंदर में, और कंट्री के ऊपर कंट्रोल करते हैं राजा, या फिर यू नो बहुत हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स। तो इसी तरह से आप ऐसे समझो कि जो उर थे, टुगेदर ऑल दीज उर्स मेड अ नाडू, यानी कि एक नाडू को हम स्टेट के जैसे समझ सकते हैं। इन स्टेट को अब एकदम, इन स्टेट्स को कौन कंट्रोल करता है? तो अगर हम देखें, हमारे कंट्री में इतने सारे स्टेट्स हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये सारे स्टेट्स को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
तो वैसे ही ये जो नाडूस थे इनको कंट्रोल करते थे वेलाला कास्ट। वेलाला कास्ट को हम समझ सकते हैं एज जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं या एमपीज होते हैं, वैसे ही थे वेलाला कास्ट। तो एक सिटी उर्स थे, उर्स के ऊपर उर्स टुगेदर फॉर्म्ड अ नाडू। नाडू को कंट्रोल करते थे वेलाला कास्ट, यानी कि हम समझ सकते हैं मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर्स के भी ये जो वेलाला कास्ट थे इसके भी ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर, राइट। एक बहुत सारी सिटीज होती है, सिटीज टुगेदर फॉर्म अ स्टेट। स्टेट को कंट्रोल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और एमपीज। और इन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं, इनको भी अगर कोई लीडर रूल करता है तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर, राइट। वैसे ही बहुत सारे उर्स थे, ऑल दीज उर्स टुगेदर फॉर्म्ड अ नाडू। नाडू वर कंट्रोल्ड बाय द वेलाला कास्ट, जो कि बहुत रिच पेजेंट्स थे, यानी कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स आप समझ सकते हो। और इन वेलाला कास्ट के भी ऊपर होते थे चोला गवर्नमेंट, यानी कि चोला किंग्स और उनके फैमिलीज वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह, चोला गवर्नमेंट जो कि पूरी डायनेस्टी को कंट्रोल करते थे। तो ये जो रिच पेजेंट्स थे वेलाला कास्ट के, ये लोग नाडू अफेयर्स, नाडू को कंट्रोल करते थे। नाडू एरियाज में क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या चल रहा है, लोग टैक्स पे कर भी रहे हैं या नहीं, उन सबको ये जो वेलाला कास्ट के रिच पेजेंट्स थे, दे यूज टू लुक आफ्टर ऑल दीज अफेयर्स। अब ये जो राजा थे चोला डायनेस्टी के, जो किंग्स थे, ये कभी कभी इन यू नो रिच पेजेंट्स और लैंड ओनर्स से खुश होके आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन लैंड ओनर्स को, इन रिच पेजेंट्स को टाइटल्स देते थे। अब ये टाइटल्स क्या होते थे जो राजा उनको देते थे, तो ये टाइटल्स वर मूवेन द वेलन, अरायर, ऐसे टाइटल्स इन रिच पेजेंट्स और लैंड ओनर्स को राजा उनके काम से खुश होके दे देते थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज सौंप देते थे, जैसे कि ये वाली कम्युनिटी को या फिर ये जो रिच पेजेंट्स हैं इनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देते हैं, इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट देते हैं, इनको डिफेंस डिपार्टमेंट देते हैं। ऐसे इनसे खुश होके, इन पे भरोसा करके इनको इम्पॉर्टेंट ऑफिस दे देते थे, इम्पॉर्टेंट स्टेट, पूरे स्टेट के जो अलग अलग ऑफिस होते हैं उनको इन लैंड ओनर्स को, इन रिच पेजेंट्स को, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनके काम से खुश होके दे देते थे। नाउ मूविंग अहेड, अब इसी ही टाइम पे हमने पढ़ा था लैंड ग्रांट्स। जब राजा बहुत खुश हो जाते थे अपने मंत्रियों से या उनके जो लैंड ओनर्स थे या फिर रिच पेजेंट्स होते थे उनके काम से जब राजा बहुत खुश हो जाते थे तो उनको लैंड भी गिफ्ट कर देते थे, उनको जमीन गिफ्ट कर देते थे कि ये वाला प्लॉट तुम्हारा, वो वाला प्लॉट इस इन लोगों को दे दो। तो ऐसे ही, और ये लैंड जो थी ब्राह्मण्स को मिलती थी, तो इस जो लैंड ब्राह्मण्स को मिलती थी उनको कहा जाता था ब्रह्मदेया। The lands which were received by the Brahmins were known as Brahmadeya. अब चोला डायनेस्टी के अंदर ये जो ब्रह्मदेया का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, यानी कि ब्राह्मण्स को खुश होके जमीन दे देना, ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, ये ब्रह्मदेया चोला डायनेस्टी के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा। लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स और ब्रह्मदेया इमर्ज इन द कावेरी वैली अंडर चोला डायनेस्टी। अब ये जो भी ये जो राजा खुश हो कि ब्राह्मण्स को प्लॉट्स तो दे देते थे, लैंड तो गिफ्ट में दे देते थे, बट ऑब्वियसली एक कमिटी चाहिए थी जो यू नो ये सारे काम संभाल सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीचर ने आपसे कोई प्रोमिस किया तो यू नो शील लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स, या आपके पेरेंट्स ने आपसे कोई प्रॉमिस किया कि यू नो गर्मी की छुट्टियों में हम तुम्हें घूमने ले जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया बट सारे अरेंजमेंट्स भी उनको देखने पड़ते हैं, टिकट्स बुक करने पड़ेंगे, जो आप हिल स्टेशन या किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो तो कहाँ रहोगे, यू नो फूड हो गया, ट्रैवल, ऑल दीज अरेंजमेंट्स नीड्स टू बी मेड। अब वैसे ही राजा इनको लैंड दे तो देते थे बट एक कमेटी की जरूरत थी जो यू नो सारे प्रोसेस को इजी बना सके, लैंड बहुत अच्छे से अपॉइंट कर सके। तो ऐसे ही अब क्योंकि ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी तो ये कमेटी भी ब्राह्मण्स की ही बना होनी चाहिए थी। तो जितने भी रिच ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स थे, यानी कि जो लैंड को ओन करते थे, जिनके पास बहुत सारी एग्रीकल्चर के लिए लैंड थी, उन सारे ब्राह्मण, जो भी बड़े बड़े ऐसे ब्राह्मण थे
उनकी एक असेंबली बनाई गई, यानी उनका एक ग्रुप बनाया गया जिसको कहा गया सभा, असेंबली या फिर सभा। इसको आप ऐसे भी यू नो याद कर सकते हो, जैसे कभी कभी आपने यू नो और सिविक्स में भी पढ़ा होगा या टीवी पे सुना होगा, आज असेंबली में मिनिस्टर्स ने ये बात की, आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में असेंबली फॉर्म हुई, या फिर लोकसभा या राज्यसभा। तो ये जो असेंबली होती है ये दो टाइप की होती है आज के टाइम पे, या तो लोकसभा या राज्यसभा। तो वैसे ही आप याद कर सकते हो, ये जो ब्राह्मण्स की असेंबली थी, हु यू नो हैड टू लुक आफ्टर दिस ब्रह्मदया, यानी कि ब्राह्मण्स को लैंड मिल जाए और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाए, तो ये जो असेंबली थी, जो ब्राह्मण्स की असेंबली बनाई गई, उनको कहा गया सभा। तो यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स की असेंबली होती है उसको हम कहते हैं लोकसभा या राज्यसभा। तो वैसे ही ये जो ब्राह्मण्स की असेंबली बनाई गई चोला डायनेस्टी में, उस असेंबली को नाम दिया गया सभा। अब ये जितने भी ये जो सभा के जो मेंबर्स थे, ये सभा जो भी डिसीजंस लेती थी उसको मंदिरों की स्टोन वॉल्स जो होती थी वहां पे लिख दिया जाता था। सो सभा डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल। अब ये जो सभा थी, इस सभा में भी अलग अलग कमिटीज बनाई गई, जैसे कोई कमिटी ये जो ब्राह्मण्स की असेंबली थी या जिसको हम सभा कहते हैं, अब इन सभा में भी अलग अलग डिविजन्स बनाए गए कि ये सारे ब्राह्मण जो हैं, इन ब्राह्मण का ग्रुप इरिगेशन का काम संभालेगा, ये सारे ब्राह्मण्स का ग्रुप टेम्पल्स का काम संभालेगा। तो ऐसे अलग अलग कमिटीज बनाई गई सभा के अंदर भी। अब ये सभा के मेंबर्स बनते कैसे थे? पहले के टाइम पे ऐसे कोई इलेक्शंस तो होते नहीं थे जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि एमपीज इलेक्शन के थ्रू बन रहे हैं, या जो हमारे एमएलएज हैं जो हमने सिविक्स में पढ़ा वो इलेक्शंस के थ्रू बन रहे हैं। अब ऐसा कोई इलेक्शन का सिस्टम पहले के टाइम पे तो था नहीं। तो अब बात आती है कि सभा के मेंबर्स बनते कैसे थे, तो इसको हम फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो आपकी क्लास में बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट हैं एंड आपकी टीचर कंफ्यूज हो गई कि इतने सारे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं आपके जैसे, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आपके जैसे, मैं क्लास का मॉनिटर किसको बनाऊं? क्योंकि सारे इक्वली टैलेंटेड बच्चे हैं, सारे आप और आपके फ्रेंड्स इक्वली टैलेंटेड हो, तो मेरे जैसे जो टीचर है वो कंफ्यूज हो गए कि मैं क्लास में मॉनिटर किसको बनाऊं। तो ऐसे 7-8 बच्चे थे आप जैसे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ब्राइट थे, बहुत स्टूडियस थे। अब टीचर ने सोचा कि मैं पेपर पे छोटी छोटी ना चिट्स बना लेती हूँ और हर चिट पे बच्चों का नाम लिख देती हूँ और उसे एक यू नो बाउल में डाल देती हूँ और किसी को एक बच्चे को बुला के कह दूंगी कि चिट पे कर लो, जिस चिट पे नाम आएगा वो क्लास का मॉनिटर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ऐसे नहीं। तो सेम चीज यहाँ के लोगों ने की अपने सभा के मेंबर्स को चूज करने के लिए। इन लोगों ने क्या किया, जो भी लोग अपने आप को एक एलिजिबल कैंडिडेट मानते थे कि हम सभा के मेंबर्स बन सकते हैं, यू नो जितने भी क्वालिफिकेशंस थे सभा का मेंबर बनने के लिए हम वो सारी फुलफिल करते हैं। तो ऐसे जितने भी एलिजिबल मेंबर्स थे, जितने भी एलिजिबल लोग थे जो सभा के मेंबर्स बन सकते थे, उन सब का, अब पहले के टाइम पे पेपर वगैरह तो इतना था नहीं, कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो पहले के ज़माने में इन लोगों ने क्या किया, ये जितने भी एलिजिबल मेंबर्स थे उन सब का नाम पाम लीफ के ऊपर, पाम लीफ की छोटी छोटी चिट्स बनाई और इन पाम लीफ के ऊपर सबका नाम लिख दिया इंक से, और उन पाम लीव्स को एक मटके में डाल दिया, एक अर्दनवेयर पॉट में डाल दिया, यानी कि मटके में डाल दिया और एक बच्चे को बुलाया कि बच्चा इधर आओ, और ये जितने भी एलिजिबल मेंबर्स थे उन सब का नाम उस पाम लीफ पे लिख के इन्होंने एक पॉट में डाल दिया और एक बच्चे को बुलाया और कहा कि इसमें से एक चिट निकालो, यानी कि जो चिट डाली गई है उसमें से निकालते जाओ। तो जिस जिसका नाम बच्चे ने निकाला वो सब सभा के मेंबर्स बन गए। तो एकदम लक के बेसिस पे, यू नो तकदीर के बेसिस पे ये सभा के मेंबर्स बनते थे। तो इसको आप हमेशा ऐसे इस एग्जाम्पल से याद रखना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सभा के जो मेंबर्स थे वो कैसे अपॉइंट किए जाते थे, तो एकदम इसको ऐसे एग्जाम्पल से याद रखना कि आपकी जो क्लास टीचर है वो कंफ्यूज है कि आप और आपके फ्रेंड्स सारे इतने ब्रिलियंट हो, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, किसको मैं मॉनिटर बनाऊं।
तो उन्होंने क्या किया, एक बाउल में चिट्स पे आप सबका नाम लिख के एक बाउल में डाल दिया और आपकी किसी फ्रेंड को बुला के कहा कि चिट पिकिंग करो। अब सेम चीज सभा के लोगों ने की। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था हम सभा के मेंबर्स बन सकते हैं, हमें सभा के मेंबर्स बनने चाहिए। उन सब के नाम इन्होंने एक मटके के अंदर पत्तियों के ऊपर लिख के डाल दिए, फिर एक बच्चे को बुलाया और बच्चे को कहा इस मटके से चिट्स निकालो। अब जो जो चिट्स पे नाम जिस जिस के निकलते गए वो सब सभा के मेंबर्स बन गए। सो दैट्स हाउ दीज सभा मेंबर्स वर अपॉइंटेड। इसके अलावा हमने पढ़ा उर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नाडू कैसे बनते हैं, वेलाला कास्ट के क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, राजा क्या करते हैं। बट ऐसे ही जो ट्रेडर्स होते थे, ये सारे लोग तो यू नो लैंड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, बट जो ट्रेडर्स होते थे यानी कि जो मर्चेंट्स होते थे जो सामान खरीदते और बेचते थे मार्केट्स में, इन ट्रेडर्स की भी एक एसोसिएशन बनी हुई थी जिसका नाम था नागाराम्स। उस एसोसिएशन ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन थी उसका नाम था नागाराम्स। एंड ये जो नागाराम्स थे ये भी जितने भी यू नो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे वो सभी नागाराम्स परफॉर्म करते थे। तो सिर्फ नाडू और विलेज काउंसिल और नाडू ही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते थे, जो नागाराम्स थे यानी कि जो विलेज में जो ट्रेडर्स की एसोसिएशन थी जो ट्रेडर्स थे वो भी काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे चोला डायनेस्टी के अंदर। तो ये सारी बातें थी चोला डायनेस्टी में। एंड दैट जस्ट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर को दो वीडियोस में कवर किया है, हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि डायनेस्टीज कैसे फॉर्म हुई, समंत के क्या रोल्स होते थे, कौन सी अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग सेंचुरीज में इमर्ज हुई, वो कैसे इमर्ज हुई, प्रशस्तीज क्या होती थी, लैंड ग्रांट्स क्या होती थी। और इस वीडियो में हमने सोली एंड सोली चोला डायनेस्टी के बारे में सब कुछ कवर किया, कैसे चोला डायनेस्टी इमर्ज हुई, उनके टाइम पे क्या एग्रीकल्चर और इरिगेशन के क्या सिस्टम्स थे, क्या डेवलपमेंट्स हुए, और फिर लास्ट में हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन चोला डायनेस्टी के अंदर कैसी होती थी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सारे एग्जाम्पल्स सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, आई विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स, कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स यू नो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे ही आने वाले हैं, बिकॉज आपने अन अकेडमी विद द ट्रस्ट किया और अन अकेडमी के वीडियो से आप ये पूरा चैप्टर पढ़े और सारे चैप्टर्स पढ़ते हो। अब आपकी आपने हम लोगों पे इतना ट्रस्ट किया तो हमारी भी कुछ यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, कुछ ड्यूटीज बनती है कि हम आपके और फायदे की बात करें, आपके और बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करें। तो ऐसा ही बेनिफिट है अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस। अभी फ्री स्पेशल क्लासेस क्या होती हैं, तो एज द नेम सजेस्ट ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो अन अकेडमी के ऐप पर होती हैं, अन अकेडमी का जो लर्नर्स ऐप है वहाँ पे होती हैं ये क्लासेस, और ये बिल्कुल ही फ्री होती हैं। यू डू नॉट इवन हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू अटेंड दीज क्लासेस, बिल्कुल फ्री होती हैं। अब इन क्लासेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप अपने एजुकेटर्स से इन क्लासेस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, यू कैन इंटरैक्ट विद योर एजुकेटर। इसके अलावा आपको अगर कोई यू नो थ्रू आउट द चैप्टर कोई डाउट हो तो आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं लाइव, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप जो एजुकेटर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप उन क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हैं। अब जैसे ये तो है प्री रिकॉर्डेड वीडियो, राइट, यहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। अब आपको कोई डाउट हो और आप पूछना भी चाहो तो ना तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो और ना मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकती हूँ। और अगर मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना हो ये टेस्ट करने के लिए कि आपको समझ आ भी रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं भी यू नो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती। लेकिन अगर आप अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। अभी क्लासेस आप कहाँ अटेंड कर सकते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं अन अकेडमी के ऐप पर, लर्नर्स ऐप पर, वहाँ पे आप जिस भी सब्जेक्ट की स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर की, जिस भी क्लास की,
वो सारी क्लासेस आप अनअकैडमी के ऐप पे ऐसी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री। अब ये तो हुई फ्री क्लासेस की बात, लेकिन कुछ पेड क्लासेस भी हैं, कुछ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है जिसको अगर आप एक बार ले लोगे तो आपकी लाइफ तो बिल्कुल ही जिंगल आला है, एकदम मस्त बन जाएंगी और आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो विद इन अ वीक आपको इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। अभी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी, क्या ऐसे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं जिससे मैं इतने कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो विद इन अ वीक इम्प्रूव हो जाएगी, तो ये सारे बेनिफिट्स आपके स्क्रीन पे है जो हमने यू नो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी इनके बारे में पढ़ा था, बट ये सारी आपके स्क्रीन पे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया अनअकैडमी पे अगर आप पढ़ते हैं तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आपको मेंटर्स मिलेंगे जो एज अ फ्रेंड आपकी परफॉर्मेंस आपकी प्रोग्रेस पे आपको गाइड करते रहेंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व करते रहेंगे, आपको स्टडी मटेरियल अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट, MCQ क्विज सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे लर्निंग जो है बहुत फन तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और आपको इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ाई में। यस, पढ़ाई में भी इतना इंटरेस्ट आएगा अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अब इस सब्सक्रिप्शन के प्राइस क्या है, तो अगेन सारे प्राइस आपके आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है और अलग अलग पैकेजेस आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। 6 मंथ्स का पैकेज है, 12 मंथ्स का पैकेज है, 15 मंथ्स का पैकेज है, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, आपको जो पैकेज लेना हो अपनी खुद की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सारे प्राइस आपके स्क्रीन पे विजिबल हैं और अगर ये ऑलरेडी जो इतने यू नो नॉमिनल अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, अगर आपको इनको और कम करना हो, अगर इन प्राइसेस पे आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा विच इज मेंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। मेरा कोड है PJAIN10। अगर सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम पे आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा एक और सब्सक्रिप्शन होता है जिसको कहा जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन से भी और बेटर होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और प्लस सब्सक्रिप्शन के जो बेनिफिट्स जो फीचर्स हैं उसके अलावा भी आपको और ज़्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये क्या फीचर्स हैं, तो अगेन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में तो 3-4 बच्चों को एक मेंटर अपॉइंट होगा, बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम पर्सनल मेंटर मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ आप पे ध्यान देगा, आपकी परफॉर्मेंस आपकी प्रोग्रेस पे ध्यान देगा। यहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, यानी कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा अनअकैडमी आपकी जो थ्रू आउट द वीक जो भी परफॉर्मेंस हुई है उसकी आपको एक रिपोर्ट बना के देगा कि थ्रू आउट द वीक आपने कहाँ इम्प्रूव किया, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, किन एरियाज में आपने प्रोग्रेस किया, कहाँ आपको प्रोग्रेस की जरूरत है, ऐसी पूरी एक वीकली रिपोर्ट बना के अनअकैडमी आपको वीकली बेसिस पे देगा। उसके अलावा पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट होगा, यानी कि हम जो टीचर्स हैं वो आपके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स के अगर कोई डाउट्स हैं आपके करियर रिलेटेड या आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, तो पेरेंट्स के भी डाउट सारे क्लियर होंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं। यानी कि बच्चों के डाउट्स तो क्लियर हो ही रहे हैं, पेरेंट्स के भी सारे डाउट्स एजुकेटर्स क्लियर करेंगे। तो इतनी मेहनत आज के टाइम पे कौन करता है सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव करने के लिए, तो अनअकैडमी करता है। और अगर आपको अपने रिजल्ट्स इम्प्रूव करने हैं और मेरे जैसे एजुकेटर्स को आपको यू नो हैप्पी करना है, प्रसन्न करना है, तो आपको अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के सारे प्राइस आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, अलग अलग पैकेजेस हैं। तो अगर आप ये फर्स्ट मोबाइल की स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पे जो है सारे ओरिजिनल प्राइस हैं, सारे जो पैकेजेस के जो ओरिजिनल प्राइस हैं वो दे रखे हैं। और अगर आप इस फोन की इमेज को देखेंगे तो ये सारे प्राइस पे 10% डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस हो जाती है
वो सारी प्राइस आपको इस मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगी। अभी 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो ऑफकोर्स आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अवेल करने के टाइम पे। सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम पे आपको मेरा कोड दैट इज PJAIN10। इफ यू यूज माई कोड यू स्ट्रेट अवे गेट फ्लैट 10% ऑफ। और मजेदार बात यह है कि जैसे मैं तो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कोई सिबलिंग्स हैं, आपके बड़े भाई या बहन हैं जिनको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो मेरा ही कोड उस पे भी एप्लीकेबल है। कोई भी क्लास में हो आप हो, या आपके रिलेटिव्स हो, या आपको आगे किसी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो मेरा ये कोड एप्लीकेबल हर कोर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। माई कोड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कोर्सेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैकेज यू वॉन्ट टू बाय। आपको जो कन्वीनियंस हो, आपकी कन्वीनियंस, आपके सब्जेक्ट, आपकी क्लास, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको जो पैकेज कन्वीनियंट लगता है, आप वो पैकेजेस ले सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। So that was all from my end. Thank you so much for watching this video towards the end. जाने से पहले एक और काम छोटा सा मेरे लिए करते जाओ। Please like this video, share this video amongst your classmates, batchmates, आपके कोई siblings हैं, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा share करो, because sharing is caring. खुद का भला तो कर ही रहे हो, उनका भी पढ़ाई में भला करो। And lastly, subscribe to the Unacademy Class Apart channel. Hit the bell icon, because if you hit the bell icon, you get the latest updates from the Unacademy channel. So please like, share and subscribe to the Unacademy channel. Together, we, you and me can crack any exam. So let's crack it with Unacademy. Thank you so much for watching this video.